को जय श्री बॉस। और ठीक है रेडी, तो आज ऊपर पढ़ने वाले हैं बस अपना जीके क्वेश्चन जिसे रोज पढ़ते हैं। ठीक है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा वेश बुद्धिम विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते ज्ञान ज्योति नमोस्तुते विद्या ज्योति नमोस्तुते। विद्या को स्तुति करनी है, विद्या के बिना क्या है कि नहीं। तो जीके क्वेश्चन पढ़ने वाले पांच और अपने को जैसे बताया कि अपन याद रखने का पूरा कोशिश करेंगे, यही भी अपने को याद हो जाए। ठीक है ना, तो देखो डेंगू रोग का वाहक कौन है, मतलब डेंगू रोग को फैलाता कौन है। वाहक मतलब होता है फैलाने वाला, जैसे इनका कारण तो अलग होता है, जैसे जीवाणु से फैलते हैं, कोई विषाणु से फैलता है, लेकिन जैसे मैं कहूँ कि फैक्ट्री से कोई साबुन बन के आ रही है तो साबुन का वाहक अपने अंदर कौन है, जो ट्रक आ रहा है वही तो वाहक। वाहक मतलब होता है लाने वाला, ले जाने वाला। तो ये जो डेंगू मच्छर है ना, जैसे आप अपने हो रहा है तो डेंगू मच्छर वहाँ पे उस जीवाणु के पास टच करेगा, उस जीवाणु को अपने पास ले लेगा और दूसरों के अंदर फैला देगा। तो वाहक मतलब होता है खुद उस रोग को खुद लेकर दूसरों में फैलाना। तो डेंगू रोग का वाहक कौन है, मादा एंडीज। कौन है, मादा एंडीज। ये आप सबको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मलेरिया रोग का वाहक कौन है, मादा एनाफिलीज। कौन है, मादा एनाफिलीज। अब देखो दो ही मच्छर ध्यान रखना, एक तो मादा एंडीज और मादा एनाफिलीज। अरे समझ में आ रहा है क्या, मादा एंडीज और मादा एनाफिलीज। तो अब आप कहोगे सर फिर कौन से में पता चलेगा कि मादा एंडीज किसका है और मादा एनाफिलीज किसका है। तो जिसमें डे आ रहा है ना, ये डे वो तो डेंगू वाला है, समझ रहे हो। जिसमें डे आ रहा हो तो डेंगू वाला, जिसमें डे नहीं आ रहा है वो किसका है, मलेरिया का। तो मादा एंडीज किस रोग का वाहक है, डेंगू का। डेंगू का वाहक कौन है, मादा एंडीज डे आ रहा है। और मलेरिया रोग का वाहक कौन है, मादा एनाफिलीज। अब आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजा। संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, बहुत सारे अनुच्छेद है अपने 500 से ऊपर। तो संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, तो ये बहुत जटिल पड़ता है अनुच्छेद याद रखना, लेकिन अभी देखना अपन बहुत तरीके से याद करने वाले। तो इसका आंसर हो गया 79। कितना हो गया, 79। अपने भिलवाड़ा जिले में इसको क्या कहते हैं, 79 क्या कहते हैं। ये प्रॉब्लम है अपने भिलवाड़ा जिले की, 79 बोल रहे हैं कि 89 बोल रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलना पड़ता है। इसको कोई मोबाइल नंबर बताता है ना, जैसे जैसे बोला 875 272 वैसे बोलते हैं 79। ये आते इंग्लिश में बोलते थे क्योंकि ये अपने भिलवाड़ा जिले की प्रॉब्लम है, अधिकतर लोग यहाँ इसमें अटक जाते हैं। लेकिन अधिकतर बोलो अभी अब मेरी बात, तो संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 79। मेरे को नहीं आता इसको क्या कहता है, इंग्लिश में आएगा तो 79 के अंदर। अब मेरे पास अब इसको याद कैसे रखेंगे, सरला याद रखना, क्या याद रखना, सरला सरला तो सबको याद रहेगा। देखो सरला के अंदर आएगा 79, सेवन मतलब 79। तो संसद का उल्लेख मैं तो ये तो यही क्वेश्चन है, उसके अलावा दो क्वेश्चन और याद कराऊं। देखो संसद का उल्लेख किसमें है, 79 किसमें है, 79। और सर के बाद में क्या है, रे का उल्लेख 79 के बाद में क्या आता है, 80 और 80 आता है ना, तो 80 के अंदर किसका रे का उल्लेख है, रे मतलब राज्यसभा, रे मतलब राज्यसभा, और ना मतलब लोकसभा, ना मतलब लोकसभा। तो लोकसभा का उल्लेख किसमें है, 81। अरे गिनती लिखनी, गिनती आती है ना 79 80 और 81 79 80 और 81 सर ला। तो आपको कोई पूछ ले कि राज्यसभा का उल्लेख किसमें है, तो क्या डायलॉग बोल रहा है, सर ला रह पे आ रहा है, इसका मतलब 79 80 पे है, किस पे है, 80 पे। आपको कोई पूछ ले कि लोकसभा का उल्लेख किसमें है, सर ला लाइन लोकसभा 79 80 81 किस अनुच्छेद में है, 81। तीनों थोड़ी बोलने हैं, अरे एक बोल पता चल जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ जैसे संसद का उल्लेख किसमें है, तो संसद का उल्लेख किसमें है, इसमें 79 में। मैं कहूंगी कि राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो कौन से में है, अरे राज्यसभा का अनुच्छेद उल्लेख किसमें है, 80 के अंदर, और लोकसभा का उल्लेख किसमें है, 81 के अंदर। अरे समझ गया ना, ऐसे सरला याद रखना, क्या याद रखना, बोलो वाक्य मेरी ला लेगी, सरला याद रखना। अब देखो जय सिंह द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन जनता मंदिर, जंतर मंतर या उसको वेदशाला भी कहते हैं, समझ रहे हो क्या, जंतर मंतर या उसको वेदशाला भी कहते हैं, यहाँ पे वेदशाला वेदशाला कहते हैं, ठीक है ना, वेदशाला यार सर वेदशाला रहे होता तो उसको वेदशाला कहते हैं, ठीक है ना, ये उसमें क्या गलत किया है। तो वेदशाला
अब देखो इसको भी याद रखने का तरीका, जो अपना जय सिंह था ना जयपुर वाला, उसने पूरे भारत के अंदर चार वेधशाला बनाई थी। कितनी बनाई थी? चार। उसको याद रखने में वो दिक्कत आती है कि कैसे याद रखें, कुछ याद रखना है डीजे बम, क्या याद रखना है डीजे बम, क्या याद रखना है डीजे बम, बम की तरह पूछते ना डीजे, तो डीजे बम, डी यानी दिल्ली, जे यानी जयपुर, दो बार बोलोगे याद हो जाएगा, दो बार बोलना बस, जे यानी जयपुर और बी यानी बनारस, यू यानी उज्जैन, प्राइम यानी मथुरा, अभी दो बार बोलो याद हो जाएगा, नहीं बोलोगे फिर ऐसे करोगे एयरपोर्ट मंकी, अभी याद करो उज्जैन मथुरा उसके बाद कौन बना था जयपुर, उसके बाद कौन बनी थी बनारस, उसके बाद कौन बनी थी उज्जैन, उसके बाद ये वेधशाला होती क्या, वेधशाला में क्या होता है बहुत बड़े बड़े दूरबीन लगे होते हैं, तो सीधा अपने को सूर्य चंद्रमा तारे ये सब बड़े बड़े दिखते हैं, तारे भी दिखते हैं वहां से, उसको कहते हैं वेधशाला, जहाँ पर अंतरिक्ष दिखाई देता है ना उसको कहते हैं वेधशाला। तो जय सिंह ने चार बनाई थी और याद रखने का तरीका बता दिया ना, डीजे बम, क्या याद रखना है डीजे बी यू एम बम, डी यानी दिल्ली, जे यानी जयपुर और बी यानी बनारस, यू यानी उज्जैन और एम यानी मथुरा, और सबसे पहले कौन सी बनाई है दिल्ली, और सबसे लास्ट में कौन सी बनाई है मथुरा। वेरी गुड शाबाश। अब आगे देखो भारत में कितने प्रकार के रेशम कीट है, अपना जो इंडिया है भारत वर्ष जो हिंदुस्तान है उसके अंदर कितने प्रकार के रेशम कीट है, चार प्रकार के, कितने प्रकार के, चार प्रकार के, गुलाब जामुन बहुत अच्छा बढ़ रहा है ना, तो चार प्रकार के रेशम कीट है, अब उसको कैसे याद रखें, अपने को एक ही पता है कि सहतूत होता है, अपने को क्या पता है सहतूत रेशम होता है, उसके अलावा पता है या नहीं पता, कुछ भी याद रखना, एक ट्रिक याद रखनी है कि रेशम कैसा होता है, मस्त होता है, रेशम कैसा होता है मस्त, तो मस्त याद रखना, क्या याद रखना मस्त, एम ए एस टी मस्त, एम यानी मूंगा, ए यानी एरी और एस यानी सहतूत और टी यानी टसली, दो बार बोल दोगे याद रह जाएगा, और फिर एम फॉर मंकी करोगे, एम यानी क्या होता है मूंगा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं रेशम के प्रकार में, जबकि यहाँ पे एम एन क्या हो रहा था मथुरा, ये तो वेधशाला है, और यहाँ पे एम एन मूंगा ये रेशम का प्रकार है, एनी और एस एनी सहतूत, एस एनी सहतूत और टी एनी तस्ली, तो बस रेशम कैसा होता है मस्त। तो जब आपके सामने बड़े बड़े कंप्यूटर एग्जाम में पूछते हैं कि निम्न में से रेशम का प्रकार नहीं है, क्या पूछते हैं निम्न में से रेशम का प्रकार नहीं है, फिर ऐसे बोल देते हैं इनमें से तीन दे देंगे और एक को अलग दे देंगे, अब आपको यही पता नहीं है कि रेशम के प्रकार कौन से हैं, एक जैसे मान लो सर दे दिया पॉलिएस्टर, हाँ तो फिर आपको यही पता नहीं कि रेशम के प्रकार कौन से हैं, तो फिर थोड़ी आएगा, तो रेशम के प्रकार चार होते हैं और चारों के नाम याद हो गए ना मस्त, रेशम कैसे होते हैं मस्त, रेशम कैसे होता है मस्त, क्या होता है मूंगा, मूंगा क्या होता है मूंगा, और टी एनी संसद का उल्लेख किसमें 79 में और राज्यसभा का उल्लेख 80 में और लोकसभा का 81 और गिनतियां नीचे है 79 और राज्यसभा का उसके आगे वाली गिनती आ जाएगी आगे वाली 79 गिनती लिख लेनी और आ जाएगा ठीक है और रेशम के प्रकार हो गए ठीक है कि डगर डगर दुनिया चलती है हम बिगड़ में राह बनाए कि डगर डगर दुनिया चलती है हम बिगड़ में राह बनाए मंजिल चरण चूमने आए हम मंजिल के पास न जाए मेहनत ऐसी करनी है कि मंजिल चलकर खुद अपने पास आए।